गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में जाना कि SQL जो होता है क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेटा क्वेरी लैंग्वेज DQL। क्या होता है DQL? डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे उसका पार्ट माना गया है। ठीक है, इसका काम जो है डेटाबेस में से डेटा को फाइंड करके डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डेटाबेस में जब अपन क्वेरी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं कमांड, वो कौन सा कमांड होता है आपका? सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड में आप क्या करते हैं, सपोज आपने कोई टेबल बनाया, टेबल में वैल्यू इंसर्ट किए, अब आपको उस टेबल को डिस्प्ले कराना है अपने सिस्टम पे, तो आप कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे? सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं आप क्लास में देखे ही होंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेलेक्ट लिखा जाता है यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल्स, टेबल्स में जितने भी कॉलम्स हैं सभी के लिए, ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल नेम। इससे क्या होता है, जो उस टेबल में जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो सब आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड जो होता है वो, सेलेक्ट कमांड का यूज़ डेटाबेस में से डेटा को फैच करना होता है। ठीक है, फैच करना मतलब निकालना, तो ये जो होता है वो DQL के अंदर होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा एक्सेस इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में आप डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 इयर्स से ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, डेटा एक्सेस, एक्सप्लेन डेटा एक्सेस इन विजुअल बेसिक, देर आर डिफरेंट बिटवीन ADO, RDO और DAO। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे मतलब घुमा के क्वेश्चंस करते पूछे जाते हैं मेन एग्ज़ाम में, तो ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा एक्सेस? डेटा एक्सेस इज अ फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक दैट अलाउ यू टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एनी डेटाबेस फ्रॉम विजुअल बेसिक। डेटा एक्सेस विजुअल बेसिक का एक ऐसा फीचर्स होता है जो विजुअल बेसिक में कोई भी डेटाबेस को एक्सेस करने और उसको मैनिपुलेट मतलब चेंज करने की अनुमति देता है। ठीक है, डेटा एक्सेस मतलब क्या होता है, एक विजुअल बेसिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है, जो किसी भी डेटाबेस में से कोई भी अगर डेटा को आपको एक्सेस करना है, उसको चेंज करना है, बदलना है, तो उसके लिए आपको परमिशन कौन देता है? डेटा एक्सेस। नेक्स्ट, डेटा द डेटाबेस में बी आइदर MS एक्सेस डेटाबेस और फॉक्सप्रे डेटाबेस और इट मे बी एनी ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सच एज ओरेकल। जो ये जो डेटाबेस होता है वो आपका क्या हो सकता है, आपका MS एक्सेस डेटाबेस भी हो सकता है, MS एक्सेस में भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, फॉक्सप्रो होता है जो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, पिछले टाइम था, तो फॉक्सप्रो भी ये क्या होता है, डेटाबेस होता है, उसमें भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और ओरेकल जो आपने क्लास में DBMS जो सब्जेक्ट है उसमें आपने देखे होंगे, उसमें आपने टेबल्स क्रिएट, इंसर्ट, वैल्यूज, डिलीट वगैरह कमांड यूज़ किए होंगे। तो ये जो तीन होते हैं, MS Access, FoxPro, Oracle, ये सारे जो है डेटाबेस क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द वेरियस वे ऑफ एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट DAO, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स RDO, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स ADO, ये तीनों के बारे में हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, मैंने क्लास में इसके नोट्स भी लिखाए हैं, तो आप उस नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे
ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा, मैं उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो ये होता है डेटा एक्सेस इन विजुअल बेसिक। नेक्स्ट हम यूनिट 5 पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।